डाइजेशन के समय हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस यूज होता है। पैंक्रियाटिक जूस से भी तीन तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, प्रोटीएसेस, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। प्रोटीएसेस से दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। लेकिन अब परेशानी ये आती है कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। ट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। अब इनके इनएक्टिव फॉर्म्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक और एंजाइम काम में आता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेस। ये एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और एक और बात, ये एंटेरोकाइनेस जो है ये हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग से निकलता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।